एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी में होने वाली भर्ती के बारे में। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी कांस्टेबल पदों पर भर्ती करने वाला है, लेकिन इस भर्ती की डिटेल्स क्या है, कितने पद भरे जाएंगे, कौन कौन एलिजिबल होंगे और साथ ही इसका पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स आपको बेहद ईजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। आईटीबीपी ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 125 पदों को भरा जाएगा। अगर आप कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। आवेदन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है, वो 5 अक्टूबर से शुरू होगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 अक्टूबर तक का टाइम है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.recruitment.itbpolice.nic.in यहाँ जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। आपको उसे डाउनलोड करना है और उसे फिल करने है, ठीक है। फिल करने के बाद जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें PET या फिर PST के लिए बुलाया जाएगा। PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें क्या होगा, जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर दौड़ना होगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको सिलेक्टेड नहीं माना जाएगा। सो आपको दिए गए टाइम फ्रेम में ही अपनी दौड़ को कम्प्लीट करना है, ठीक है। एक बार जब आप दौड़ में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका हाइट, वेट और जो चेस्ट मेजरमेंट है, आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद जब एक बार आप जो फिजिकल टेस्ट है इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा और उसके बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। सो जो उम्मीदवार फिजिकल, साथ ही रिटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया अच्छे से पास कर लेंगे, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट सारे सही होंगे, उन्हीं को कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद अगर सैलरी की बात की जाए तो लेवल 3 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि पर मंथ 21,700 रुपीज़ से लेकर 69,100 रुपीज़ तक, ये आपकी मंथली सैलरी होने वाली है। इसके अलावा जो भी सरकारी कर्मचारी को दूसरे पर्क्स मिलते हैं, यानी कि DA हो गया या फिर मेडिकल अलाउंस हो गया, ये तमाम चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। सो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी भरनी होगी और फीस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये आप अगर फीस नहीं जमा करते हैं तो आपका जो आवेदन की आपकी जो प्रक्रिया है उसे पूरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी आईटीबीपी में जो कांस्टेबल पदों पर भर्ती होने वाली है उसके बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार नौकरी से संबंधित ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।